और ये राजवर्धन सिंह राठौर अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और ये दिखाते हुए पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट वो दिखा रहे हैं। और इससे पहले राजवर्धन सिंह राठौर ने काफी सारी बातें कही। उन्होंने सड़क, रोजगार, सीएम कैंडिडेट पर भी बात की, जातिवादी राजनीति। I'm very sure that things will work out. Thank you, ma'am. Thank you so much. तो राजवर्धन सिंह राठौर अपनी बारी का इंतजार करते हुए इस वक्त जयपुर में वो वोट करने के लिए आए हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अपनी पत्नी के साथ, और वो ये पहचान पत्र भी दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ जो बातें उन्होंने कही उसमें उन्होंने जातिवादी राजनीति पर चोट की और कहा कि सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने तय किया हुआ है लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कवायद नहीं की गई और इसका असर होगा, ये उनका दावा। रोजगार केंद्र और राज्य ने मिलकर दिए हैं, ये भी दावा किया उन्होंने, और साथ ही स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों की अहमियत धीरे धीरे विधानसभा चुनाव में भी बढ़ी है, ये बात भी कही, जिस पर अंबिकानंद सहाय टिप्पणी कर रहे थे। आप छोटी सी टिप्पणी कर सकते हैं, ब्रेक पर जाना। देखिए, राठौर साहब जो बोल रहे हैं अभी, आप देखिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा तब यही लोग कहेंगे कि स्थानीय मुद्दे हावी, केंद्रीय मुद्दे हावी रहे, और अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए हार जाती है, अभी से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, तब वो स्थानीय मुद्दे कहेंगे। तो कांग्रेस भी यही करती है कि जीत गई तो राहुल जी जीत गए और हार गई तो लोकल नेतृत्व हार गई। नहीं, बट इस वक्त नेशनल और स्टेट दोनों में जो काम पिछले 5 साल में हुआ है वो उसी चीज को फोकस में रखकर आगे। फाइनल में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की, और वोटिंग दोनों जगहों पर जारी है। अलग अलग बूथ से जो तस्वीरें आ रही है वो हम एक एक कर दिखा रहे हैं। इसमें कई वीवीआईपी भी दिख रहे हैं। आप देखिए, राजवर्धन सिंह राठौर इस वक्त अपना मतदान कर रहे हैं जयपुर के मतदान केंद्र से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौर ने इससे पहले मीडिया से बात करते हुए कई सारे मुद्दे उठाए और कहा कि विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। उन्होंने अपील भी की कि आप मतदान केंद्र तक आए और वोटिंग करें अपनी पत्नी के साथ। राजवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री इस वक्त पोलिंग बूथ पर। ये रोजगार के मुद्दे पर भी जो कुछ कहा उन्होंने, अंबिकानंद, देखिए बस कुछ दिन पहले ये खबर आई थी राजस्थान में कि बेरोजगार युवकों की आत्महत्या वाली खबर है, काफी हाईलाइट करने की कोशिश की गई और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि रोजगार जो है केंद्र और राज्य दोनों तरफ से काफी मुहैया करवाए गए हैं। देखिए, राजस्थान में ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। आप जानते होंगे कोटा एक ऐसा केंद्र है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं जी, और ये आत्महत्या की खबर भी शायद वहीं की थी जी। अब बेरोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस है और उसका कारण कुछ और है। चूंकि मोदी जी ने ये बयान दिया था 2014 में कि 2 करोड़ हम रोजगार हर साल सृजित करेंगे, तो वो हो नहीं पाया। तो इस मुद्दे को विरोधी पक्ष विक्ट्री का साइन बनाते हुए राजवर्धन सिंह राठौर, और ये तस्वीरें, नीति आप ये बताइए, अभी जो देख रहे हैं आप सभी वीवीआईपी अपनी पत्नी के साथ वोटिंग के लिए जाते हैं, इसका क्या संदेश जाता है महिलाओं में? इसका कहीं ना कहीं संदेश ये भी जाता है कि एक महिलाओं की जो रिस्पेक्ट करने वाली पार्टी है वो बीजेपी है। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत कमेंट्स आए हैं राजवर्धन सिंह राठौर जी, शरद यादव जी की तरफ से, उस बयान को लेकर भी काफी बवाल मचा और इस पर काफी बहस हुई।